राजधानी भोपाल में बढ़ती चोरी और लूट की वारदातों ने पुलिस की गश्त और सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं, खास करके जब शहर में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू है और इसके बावजूद अपराध की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। जानकारी के मुताबिक रात के अंधेरे में करीब 7 चोर स्कॉर्पियो गाड़ी में सवार होकर अयोध्या नगर स्थित जैन ज्वेलर्स की दुकान पर पहुंचे थे। उनके पास हथियार भी थे जिससे उन्होंने दुकान के गेट को तोड़ दिया था, जिसके बाद चोरों ने दुकान से लगभग 30 लाख रुपए का सोना लूटा और मौके से फरार हो गए। वारदात के बाद पुलिस को सूचना दी गई, जिसके बाद पुलिस ने चोरों का पीछा किया लेकिन चोर भाग निकले। जिस स्कॉर्पियो गाड़ी का चोरों ने इस्तेमाल किया उसका फोटो भी सामने आया है। इस घटना के बाद चोरों ने गुना की तरफ भागने का प्रयास किया है, जिसके बाद भोपाल पुलिस ने गुना पुलिस को भी अलर्ट कर दिया है। वहीं घटना को लेकर अयोध्या थाना प्रभारी का कहना है कि जल्द आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए दबिश दी जा रही है, जल्द ही सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। रात्रि में 2:30 से 3 बजे करीब पुलिस को सूचना मिली थी कि डी सेक्टर में विकास जैन जी की एक ज्वेलरी की शॉप है, जहां पर 4-5 लोग सेक्टर का ताला तोड़कर अंदर प्रवेश करते हैं और कुछ सोने चांदी के जेवर वगैरह चुरा कर भागते हुए नजर आ रहा है। एक सूचना पर पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए कंट्रोल रूम को सूचना दी गई और जो आरोपी लोग भागे उनकी रास्ते पर जब नाकाबंदी करी तो एक स्कॉर्पियो जैसा कोई वाहन उसमें नजर आया, इसमें 5 से 6 लोग सवार नजर आए और उनको काफ़ी फॉलो करने का प्रयास किया गया, किंतु अंधेरे का फायदा लेकर भी सामान। भोपाल में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू होने के बावजूद शहर में लगातार चोरी और लूट की वारदातें बढ़ती जा रही हैं। बीते 10 दिन में ये तीसरी बड़ी वारदात है जिसने पुलिस की कार्यशैली और गश्त पर सवाल खड़े कर दिए हैं। पहले शराब कारोबारी के फ्लैट में घुसकर लूट हुई, फिर बाग सेवनिया में ज्वेलरी शॉप को चोरों ने निशाना बनाया और अब फिर से ज्वेलरी शॉप में चोरी की वारदात ने पुलिस की चिंता बढ़ा दी है।